शिमला मनाली नहीं, ये हैं भारत के 11 जगह जो हैं भीड़ से सबसे अलग। वीकेंड में यहाँ करें एंजॉय। अगर आप भी वीकेंड में मस्ती करना चाहते हैं और अपनी छुट्टी को फुली एंजॉय करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ आप मौज ले सकते हैं। शिमला, मनाली, माउंट आबू जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन हम इन सब से हटकर कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपका दिल और दिमाग गार्डन गार्डन हो जाता है। आइए जानते हैं वीकेंड एंजॉयमेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिन। 1. ऋषिकेश, उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड का छोटा सा पहाड़ी शहर है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक जगहों के लिए खास तौर से मशहूर है। हिमालय की गोद में बसे हुए इस शहर को घूमने के लिए 3 से 4 दिन की छुट्टियां काफी होती हैं, जिसमें घूमने फिरने के अलावा आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, क्लिफ हैंगिंग और फ्लाइंग फॉक्स जैसी कई सारी एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। 2. आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा में पूरे साल टूरिस्टों की भीड़ देखने को मिलती है। मुगल काल की शानदार कला का अद्भुत नमूना है ताजमहल, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। सफेद संगमरमर से बने हुए ताजमहल का नजारा दिन में जितना खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज्यादा रात में जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है। इसके अलावा यहां देखने के लिए फतेहपुर सीकरी, एतमादउद्दौला का मकबरा और आगरा का किला भी है। 3. बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान का बीकानेर भी 3 से 4 दिनों की ट्रिप के लिए काफी अच्छी जगह है। रेत के पहाड़, खूबसूरत मंदिर और यहां का कल्चर इस जगह को बनाता है और भी खास। यहां आकर ऊंट सफारी का मजा लेना बिल्कुल ना भूलें। 4. चैल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का चैल भी बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहां फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं जमकर मस्ती। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व, साधुपुर गांव देखने का वक्त जरूर निकालें। बर्फ सेड़ के पहाड़ और जंगल आपको देते हैं फोटोग्राफी का बेहतरीन मौका। 5. डलहौजी, हिमाचल प्रदेश। खूबसूरत मैदान और कॉलोनियल बिल्डिंग्स का कॉम्बिनेशन डलहौजी की खूबसूरती को करते हैं दोगुना, जहां आकर आप एंजॉयमेंट के साथ रिलैक्स भी कर सकते हैं। डलहौजी के नजदीक खजियार को भी आप 3 से 4 दिनों की छुट्टियों में कवर कर सकते हैं। तिब्बत मार्केट, बकरोता हिल्स, काला टॉप, लोहाली गांव एक्सप्लोर करने के लिए है बेहतरीन डेस्टिनेशन। 6. बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी बहुत ही मशहूर वीकेंड डेस्टिनेशन है। इस पार्क में आप आसानी से टाइगर्स को देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहां बांधवगढ़ फोर्ट, सीता मंडप और रामपुर पहाड़ी जैसी जगहें भी अपना अलग इतिहास और खूबसूरती समेटे हुए हैं। 7. रोहरू, हिमाचल प्रदेश। पाबर नदी के तट पर बसा छोटा सा शहर रोहरू, जो बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है। ऑफ बीट डेस्टिनेशंस की लिस्ट में शामिल इस जगह पर टूरिस्टों की बाकी जगहों जितनी भीड़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन 3 से 4 दिन की छुट्टियों में रिलैक्स होने के लिए ये जगह परफेक्ट है। शिखरू देवता मंदिर, चिरगांव, चांचाल, देवरा और कवार यहां की घूमने फिरने वाली जगहें हैं। 8. मांडवा, राजस्थान। किले, हवेली, महल और ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है राजस्थान शहर, और यही है झुंझुनू जिले का खूबसूरत शहर मांडवा, जो बॉलीवुड मूवी पीके के बाद से और ज्यादा चर्चा में आया है। यहां देखने के लिए मांडवा फोर्ट, गोयन का डबल हवेली, मुरमुरिया हवेली और बागर हैं, जहां आपको राजस्थानी कल्चर और वास्तुकला का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। 9. ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर आपको घूमने फिरने की कई वजहें देता है। ग्वालियर फोर्ट यहां का सबसे खास आकर्षण है। तानसेन का मकबरा देखने के अलावा आप एक दिन का शिवपुरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ग्वालियर फोर्ट में बना सिंधिया स्कूल बहुत ही मशहूर है। भारतीय वाद्य यंत्रों का पहला म्यूजियम सरोद घर भी ग्वालियर में ही है। इसके अलावा भी यहां देखने के लिए कई सारी जगहें हैं जहां आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। 10. ओरछा, मध्य प्रदेश। 16वीं शताब्दी में बुंदेल सेनापति रुद्र प्रताप ने इस जगह की खोज की थी। बेतवा की तरह ही ओरछा भी खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। बहुत बड़ा शहर न होने की वजह से इसे आप 2 से 3 की छुट्टियों में कवर कर सकते हैं। जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजमहल यहां घूमने वाली जगहें हैं। 11. पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इंडिया में ब्रह्मा जी के गिने चुने ही मंदिर हैं जिनमें से एक यहां है। इसके अलावा पुष्कर की धार्मिक मान्यता भी है। इसकी सारी खूबियों की वजह से ही ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।
जहां जगह जगह विदेशी सैलानी पार्टी करते हुए और नजर आ जाएंगे। हर साल यहां लगने वाले कैमल फेयर को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इस जगह को घूमने के लिए 2 से 3 दिन की छुट्टियां काफी हैं। हाँ, होली में इस शहर का नज़ारा बहुत ही अलग और खास होता है।